22 तारीख का दिन राम मंदिर के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा। बॉलीवुड के तमाम सितारे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद लेने के लिए कल अयोध्या गए थे। बीती रात सभी सितारे मुंबई नगरी लौटे। इस दौरान सभी काफी खुश और भक्तिमय अंदाज में नजर आ रहे थे। रणवीर कपूर का अंदाज कुछ ऐसा था कि उनकी तस्वीरें वायरल हो गई। आइए जानते हैं कौन कौन से सितारों को अयोध्या से लौटते हुए कैप्चर किया गया था। आलिया और रणवीर की जोड़ी को अयोध्या में हर किसी ने देखा। दोनों सुबह सुबह ही एक दूसरे का हाथ थामे एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। लौटते वक्त रणवीर सिर पर शॉल ओढ़े हुए नजर आए, वहीं आलिया सीधा गाड़ी में बैठ गई। फैंस का उनका देसी अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। आलिया और रणवीर के साथ विकी कौशल और कैटरीना कैफ का अयोध्या लुक भी लोगों ने बहुत पसंद किया। लौटते वक्त भी दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए, पेपराजी के कहने पर कपल पोज भी दिया। वहीं रोहित शेट्टी अपने मस्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए वो भी पहुंचे थे। लौटते वक्त भी वे काफी हैप्पी दिखाई दिए। एयरपोर्ट से निकलते वक्त रोहित शेट्टी खुद कार चलाते हुए नजर आए। ढेर सारी हिट फिल्मों में काम करने वाली माधुरी दीक्षित आज भी अपने लुक्स के लिए जानी जाती है। अयोध्या से लौटते वक्त भी उनके चेहरे की रौनक देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने अपने हस्बैंड डॉक्टर माधव नैने का हाथ थामा हुआ था। वही अंशुमान अपनी शानदार फिल्मों और टू द पॉइंट बातों के लिए फेमस है। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वो भी शानदार लुक में पहुंचे थे। लौटते समय भी अभिनेता बहुत खुश दिखे और पेपराजी के सामने जमकर पोज दिए। इन सभी सितारों के साथ साथ बिग बी के लाडले बेटे अभिषेक के साथ लौटे। पूजा अर्चना के मामले में बच्चन परिवार दिल खोल कर आगे रहना पसंद करता है। Thank you.